यदि आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अब डायबिटीज को दो तरह से ट्रीट किया जा सकता है। पहला, वही ट्रेडिशनल तरीका जिसमें आपको अपने फूड की लिबर्टी मिलती है, आप कुछ भी अपनी चॉइस से खाते हैं और डॉक्टर्स आपकी दवाइयों को इस प्रकार से सेट करते हैं कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में दिखे। मैं दिखे पर्पसफुली बोल रहा हूं। इससे होता क्या है, आपको लगता है कि आपकी बीमारी ट्रीट हो रही है पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए आपके डॉक्टर्स आपकी दवाइयां डे बाई डे बढ़ाते चले जाते हैं। शुरुआत एक गोली मेटफॉर्मिन से होती है, फिर वही गोली आपको दो या तीन बार लेनी होती है, उसके डोजेस बढ़ जाते हैं, फिर दूसरी तीसरी और चौथी गोली समय के साथ में ऐड होती चली जाती है और आखिरी में एक दिन डॉक्टर आपको कहते हैं कि अब तो इससे ना हो पाएगा, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होंगे। और वो स्थिति आते आते आपके शरीर में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की समस्या, ब्रेन स्ट्रोक या आईज का खराब होना, किडनी या न्यूरोपैथी की समस्या या डायबिटिक फुट, बॉडी में इम्बैलेंस, प्रोस्टेट, इस प्रकार के कई सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और डॉक्टर का एक सिंपल डायलॉग होता है कि यदि आप डायबिटिक हैं तो ये तो सब होगा ही। ऐसी स्थिति में अगर ये ट्रीटमेंट सही था तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आने चाहिए थे। जब ये कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं तब मरीज को झटका लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। तो यहीं पर मैं मरीज को अक्सर समझाता हूं कि अब इसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक वो तरीका, आप अपने फूड की लिबर्टी लें और डॉक्टर की चॉइस से दवाइयां लें। कॉम्प्लिकेशन आएंगे, आपको तकलीफ होगी, इंसुलिन के इंजेक्शन पर आखिरी में लैंड करेंगे ढेर सारे डॉक्टर और ढेर सारी दवाइयां। दूसरा तरीका, अगर आप अपनी डाइट मेरे तरह से मैनेज करेंगे, उसको अल्टर करेंगे, LDCF डाइट फॉलो करेंगे, तो उन दवाइयों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉसिबल है आप अपनी सारी दवाइयां छोड़ पाएं, अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि इवन रिवर्स कर पाएं। अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शंस तक पहुंच गए हैं तो संभव है कि आप इंसुलिन के इंजेक्शंस भी छोड़ पाएं। यदि टाइप 1 डायबिटीज है तो आप अपने इंसुलिन के डोजेस की मात्रा को घटा सकते हैं मेरी डाइट को अच्छी तरह फॉलो करते हुए। तो डाइट आपको मेरे प्रोटोकॉल के हिसाब से लेनी है, दवाइयां आपकी छूटती चली जाएंगी और आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं जिससे आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसे रिवर्स या रिमिजन भी कर सकते हैं। और इसको एक साधारण से उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि आप शक्कर का सेवन करते हैं तो आपको भी अब मालूम है कि उससे आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी क्योंकि ये 100% कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। वहीं अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं तो भी आप समझ सकते हैं आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी क्योंकि ये 90-95% तक शुगर है और ये आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगा। अब यदि आप हनी पीते हैं, मध पीते हैं तो भी आप जानते हैं कि आपकी शुगर बढ़ेगी क्योंकि ये 80% शुगर कार्बोहाइड्रेट है। परंतु आप ये नहीं जानते कि आपका चावल या साबूदाना या कॉर्नफ्लेक्स ये भी 80% शुगर है। जी हाँ, ये फीकी शक्कर है 80% मध के बराबर और ये आपके पेट में जाने के बाद डाइजेशन से सीधा ग्लूकोज बनाते हैं, ब्लड शुगर को रॉकेट करते हैं। तो चावल या चावल के प्रोडक्ट जैसे कुरमुरा, पोहा, इडली डोसा, चावल का पापड़, चावल की रोटी, इवन खिचड़ी जो आप बड़े प्रेम से खाते हैं ये सोच के कि ये तो हेल्दी है, ये सभी आपकी ब्लड शुगर को रॉकेट करते हैं और ये आप नहीं जानते। इसलिए आपको लाइफ टाइम दवाइयों का सपोर्ट लेना पड़ता है। वहीं काजू कतली, अरे वाह क्या कहने, काजू कतली, परंतु डायबिटीज का मरीज जानता है ये खाऊंगा मेरी शुगर बढ़ेगी, परंतु इसके अंदर भी 60% शुगर है, ये बात आप नहीं जानते, इसका परहेज करते हैं। वहीं गेहूं या किसी भी दूसरे अनाज के अंदर, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, मिलेट, इवन मल्टीग्रेन, इसमें 55-65% शक्कर है, ये आप नहीं जानते, इसलिए लाइफ टाइम डायबिटिक रहते हैं। तो अगर आप बिस्किट, खारी, टोस्ट, उपमा, रोटी, अगर एक रोटी खाएंगे 4 चम्मच शक्कर आएगा, ब्रेड, नूडल्स,
ये सब फुल ऑफ शुगर हैं, ये आप नहीं जानते। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्सेज का सहारा लेना पड़ेगा जिससे आप अपने फूड को मॉडिफाई कर सकें या LDCF डाइट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने दो तरह की थालियां शेयर करूंगा। एक थाली एक आम डायबिटिक मरीज की थाली होगी जिसको खाने से आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करेगी, आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी थाली LDCF डाइट के हिसाब से होगी जिससे आप अपने दवाइयों को छोड़ पाएंगे, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे, संभवतः रिवर्स भी कर पाएंगे। तो पहले हम उन दोनों थालियों के बारे में जानेंगे जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। इसमें आपको फ्रूट खाने की लिबर्टी मिलेगी, रोटी और चावल खाने की लिबर्टी मिलेगी, साथ में वो सब्जियां खा सकेंगे, पर आपको सिलेक्टिवली इन सबका सेवन करने को मिलेगा, आपको ड्राई फ्रूट भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें खाते पीते आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। तो आइए इस थाली के बारे में जानते हैं। देखिए, ये एक आम इंसान की थाली है जिसको खाते हुए डायबिटीज का मरीज लाइफ टाइम डायबिटिक बना रहता है। सुबह की जैसा अक्सर शुरुआत होती है कुछ ड्राई नट्स के साथ में, अक्सर लोग बादाम खाते हैं या फिर काजू लेते हैं, पर साथ में गलती क्या करते हैं, अंजीर या किशमिश या रतालू इस प्रकार के मीठे ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं जिसके कारण शुगर बढ़ती है। फिर उसके बाद में वो ब्रेकफास्ट कुछ इस प्रकार का करते हैं जैसे दलिया या ओट्स या उपमा, जिसके कारण ब्लड शुगर उनकी स्पाइक होती है। फिर जब मेन कोर्स मील का समय आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है चपाती का। जहां तक सवाल है चाय वगैरह का बीच में लेने का, तो प्योर दूध की अगर चाय लेंगे ब्लड शुगर भी बढ़ेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आएगा। अब जो मेन कोर्स मील होता है उसमें शुरुआत होती है सैलेड से। अगर सैलेड के अंदर ओनियन, बीटरूट और गाजर अगर ज्यादा मात्रा में है तो वो हाई शुगर ही है, तो अक्सर इसका ज्ञान नहीं होता, मरीज लेता रहता है। फिर हाई शुगरी फ्रूट लेता है, कई जो फ्रूट बहादुर हैं वो कहते हैं 12-1 बजे तक फ्रूट ही फ्रूट खाइए, अपने बॉडी वेट का 1% खाइए, मतलब 100 किलो वजन है तो 1 किलो फल खा लो तो ब्लड शुगर रॉकेट हो जाएगी, तो मीठे से मीठे खा लो। ऐसे में अगर केला और आम खा लिया, जिसका आजकल बड़ा कंट्रोवर्शियल वीडियोस बन रहे हैं, कोई बोलता है आम खा लो कुछ नहीं होगा, कोई बोलता है रॉकेट हो जाएगा, तो बेसिकली ये हाई शुगरी फ्रूट है, ये आपको मॉडरेशन में लेना चाहिए, एक आध स्लाइस ले लें देन इट इज ओके। पर लोग भर भर के लेते हैं, 100 किलो वजन है 1 किलो ले लेंगे, 800 ग्राम वजन है 80 किलो वजन है 800 ग्राम ले लेंगे, जो गलत है। तो केला, आम, हालांकि वाटरमेलन लिया जा सकता है। फिर जहां तक सवाल आता है मेन स्टेपल डाइट का, बोलते हम चावल लेते हैं छोटा सा एक कटोरी, पर एक कटोरी चावल अगर आपने 100 ग्राम भी ले लिया तो उसके अंदर लगभग 30 ग्राम शक्कर आएगा, क्योंकि सूखे 100 ग्राम चावल में 80 ग्राम शुगर है। अब ये वाले पके हुए अगर 100 ग्राम आपने ले लिए तो उसके अंदर 30 ग्राम तक शुगर आ जाएगी, 25-30 ग्राम। वहीं एक रोटी चाहे वो रागी की हो, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, रागी की एक रोटी में 20 ग्राम शक्कर है, वहीं ज्वार की एक रोटी में 20 ग्राम शक्कर है, रागी में उल्टा ज्यादा है 22-23 ग्राम है, और ये गेहूं की रोटी है इसमें 20 ग्राम शक्कर है। फिर कुछ मिलेट बहादुर बोलेंगे कि मिलेट में कम है, उसमें भी 19 ग्राम शक्कर है। तो ये रोटियां अगर किसी ने 3 रोटी खा ली तो 60 ग्राम शक्कर अंदर गया, चावल खा लिया 25-30 ग्राम शक्कर गया, अरबी की सब्जी है क्योंकि लोग आलू अरबी इस तरह की चीज या भुट्टा कटहल ऐसे हाई शुगरी वेजिटेबल्स भी खाते रहते हैं, तो करीब 100 ग्राम, ये मैंने दाल ली है, दाल तो कोई भी खाता है, हालांकि दाल खाना ठीक है, पर ये लगभग 100 ग्राम एक मील के अंदर लंच में और एक डिनर में शुगर अंदर जाता है। फिर आपके डॉक्टर आपकी दवाइयां बढ़ाते हैं, लाइफ टाइम आप डायबिटिक बने रहते हैं। आप मीठी चीजों का जैसे मिठाई, शक्कर, गुड़, इनका परहेज भी करते हैं तो भी आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप नहीं होती। आपको लगता है आप परहेज कर रहे हैं पर परहेज तो हो ही नहीं रहा, ये सब आप भरपूर ले रहे हैं। फिर लोग लस्सी पीते हैं, उसमें भी शुगर आता है। अब मैं आपके साथ में LDCF डाइट की थाली शेयर करूंगा, उसे आप देखिए और फर्क जानिए। इसमें आपकी ब्लड शुगर रॉकेट रहेगी, दवाइयों के माध्यम से आप अपनी ब्लड शुगर को मैनेज करें। अब ये थाली LDCF डाइट के हिसाब से है जिसमें कार्ब कंटेंट काफी घटा दिए जाते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, वेजिटेरियन है, वेजिटेबल चीला लें, वेजिटेबल ओट्स लें,
या फिर नट्स आपको लेने हैं, बादाम, अखरोट, ये लिए जा सकते हैं। देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पर सवाल इस बात का है सिलेक्शन कैसे करेंगे। 250 से 300 आइटम हैं, डिशेज हैं, ये सब आपको LDCF डाइट के कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं। तो अगर कोई नॉनवेज लेता है, अंडा या तो बॉइल्ड फॉर्म में या फिर उसका ऑमलेट बना करके ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। फिर आते हैं मेन कोर्स पर, तो आपको डेफिनेटली लॉट्स ऑफ सैलेड्स लेने हैं। सैलेड्स के अंदर जो लो कार्ब सैलेड्स हैं, जैसे उसके अंदर कुकुम्बर या फिर टमाटर या फिर पत्ता गोभी, लीफी वेजिटेबल्स, ये चीजें ज्यादा मात्रा में लें। फिर फ्रूट जो है ना वो लो जीआई वाले हमको सिलेक्ट करने चाहिए, और आपके बॉडी वेट के 1%, जैसे अगर आपका स्टैंडर्ड बॉडी वेट, देखिए बॉडी वेट नहीं स्टैंडर्ड बॉडी वेट, उसका 1%। जैसे स्टैंडर्ड बॉडी वेट कैसे निकलेगा, अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो पुरुष का -100 करने से 60 केजी बनेगा, महिला का -105 करने से 55 केजी बनेगा। तो 1% कितना हो गया, 550 या 600। तो वो हिसाब से आप फ्रूट पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, और उसमें लो जीआई फ्रूट लें, जैसे एप्पल यहां मैंने रखा है, पीच रखा है, उसके साथ में वाटरमेलन रखा है, ग्वावा रखा है। तो कोर्सेज में बताया जाता है कि कौन से फ्रूट ले सकते हैं, कौन से ना ले सकते हैं, कौन से वेजिटेबल ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते, कौन से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते। फिर उसके बाद में जो हमारी मेन स्टेपल डाइट आती है, चपाती। अब देखिए ये चपाती जो है, और ये लो कार्ब आटे की चपाती है, इसकी एक रोटी में 1 से 2 ग्राम ही शक्कर है, या 1 ग्राम से भी कम शक्कर है। तो 3 रोटी अगर इसकी आपने खाई, तो कहां इस चपाती के अंदर मात्र 3-4 ग्राम 5 ग्राम शक्कर आता है, और उधर आप 60 ग्राम शक्कर पर मील लेते हैं। और यहां मैंने जो राइस रखे हुए हैं, ये बेसिकली कॉलीफ्लावर राइस है, या इसकी जगह मिलेट राइस भी लिए जा सकते हैं। इसके 100 ग्राम में मात्र 3 ग्राम स्टार्च आता है, तो कहां 30 ग्राम और कहां 3 ग्राम, तो आपके भोजन की ओवरऑल शुगर कम हो गई। फिर जो वेजिटेबल मैंने ली, भिंडी ली, इसकी जगह पे आप दूसरी भी ले सकते हैं, लौकी, तोरई, टिंडा भी लिया जा सकता है। दाल आप सामने देख ही रहे हैं, मैंने दाल भी लिया है। तो इस प्रकार के सिलेक्शंस आपको करना सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो आपको क्या खाना है, इसकी ट्रेनिंग, इसका तो लगभग 40 मिनट का वीडियो आपको कोर्स के अंदर दिखाया जाता है। तो आपकी इन लेंथ ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, जिससे एक प्लेट में ही, एक दिन में ही आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप होती है, और ड्रास्टिक डिफरेंस आता है। इंसुलिन के डोजेस घटते हैं, आपकी मेडिसिंस में कमी आती है, डायबिटीज को आप जल्दी ही कंट्रोल कर पाते हैं, इवन टाइप 2 डायबिटीज में रिवर्स करने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो यदि आपको भी LDCF डाइट की और जानकारी चाहिए, आपको नॉर्मल डाइट के बेस पर लाइफ टाइम डायबिटिक नहीं रहना है, तो इस डाइट को पाने के लिए, LDCF डाइट के साथ आगे बढ़ने के लिए आप सबमिट करें, या क्लिक बटन को दबा करके इसका जो ऐप है वो इमीडिएट डाउनलोड करें, और LDCF डाइट का हिस्सा बने, अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स करें। और अगर आप टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित हैं, तो भी आप अपनी ब्लड शुगर को कम करके इंसुलिन के डोजेस को घटा सकते हैं। कुछ मदद की आवश्यकता हो, सबमिट करें, मैं, मेरी डाइटिशियन की टीम आपकी मदद करेगी।